नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। जनधन खाता धारकों के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाई ओवरड्राफ्ट की सुविधा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। साथ ही इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा को दोगुना और उम्र की सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। सरकार ने कहा कि दरअसल यह विस्तार राष्ट्रीय वित्त समावेशन मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना में किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख बदले गए, दिलबाग सिंह को सौंपा अतिरिक्त भार। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख एसपी वैद्य को बृहस्पतिवार देर रात उनके पद से हटा दिया गया। पुलिस महानिदेशक कारागार दिलबाग सिंह को राज्य के पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक आधिकारिक आदेश में उक्त बात कही गई है। गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश में कहा गया है कि 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी वैद्य का तबादला यातायात आयुक्त के पद पर किया गया है। अमेरिका से भारत का कामकासा करार। भारत और अमेरिका ने नई रक्षा संधि कामकासा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो दोनों देशों को सबसे मजबूत रक्षा सहयोगी देश के तौर पर स्थापित करेगी। इस समझौते के बाद अमेरिका के लिए भारत का महत्व एक नाटो देश की तरह हो गया है। भारत से पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इस तरह का समझौता अमेरिका ने किया है। सनद रहे कि एक दशक पहले तक भारत अमेरिका के बीच बेहद कम रक्षा सहयोग होता था, लेकिन अब सालाना $10 अरब के उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इनका आकार आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकता है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे डीजल पेट्रोल के दाम। कांग्रेस ने 10 सितंबर को बुलाया भारत बंद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ रही है। इसके अलावा रुपए में जारी गिरावट का असर भी ईंधन की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपए की गिरती कीमत को लेकर कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का बुलाया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़कर नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए और मुंबई में 87 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। सृजन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन के यहाँ इनकम टैक्स का छापा। बिहार के भागलपुर में हुए सृजन घोटाले से जुड़े मसले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। आईटी विभाग ने पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की चचेरी बहन रेखा मोदी के दफ्तर पर छापे मारे। इनकम टैक्स के अलावा इस छापेमारी में बिहार पुलिस की टीम भी मौजूद है। बता दें कि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लगातार सुशील मोदी पर इस घोटाले में सम्मिलित होने का आरोप लगाया है। अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल ने जल भी त्यागा। कांग्रेस ने भी दी उपवास की धमकी। आरक्षण में किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर 13 दिन से अनशन कर रहे हार्दिक पटेल ने सरकार को बातचीत के लिए दिए 24 घंटे के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद जल का भी त्याग कर दिया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के प्रवक्ता मनोज पनारा ने कहा कि गुजरात का किसान बीते 25 साल से भाजपा को वोट देता आ रहा है, उस पर करीब 52,000 करोड़ का कर्ज है जिसे माफ किया जाना चाहिए। समलैंगिकता अब अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आईपीसीसी की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रद्द कर दिया है। दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली इस धारा को अब खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है, लोगों को अब अपनी सोच बदलनी होगी। समलैंगिक लोगों को अब समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आम जनता के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बेहद खुश नजर आ रही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई पहल, बिना कार्ड एटीएम से निकाले पैसे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक देश में कुछ चुनिंदा एटीएम मशीनों से बिना कार्ड के नकदी निकाल सकते हैं। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रौद्योगिकी आईएमटी का उपयोग करके यह भुगतान किया जाएगा। आईएमटी दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड रहित नकदी एटीएम नेटवर्क है और इसका निर्माण एप में पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। एयरटेल की माने तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को इस साल के अंत तक यह सुविधा 1 लाख एटीएम पर मिलेगी। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। हाल ही में संपन्न हुआ एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन किया है। इस बार उन्होंने 52वें ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। चेंगवा में हो रहे इस चैंपियनशिप में सौरभ ने जूनियर वर्ग में 245.5 अंकों के साथ जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बिग बॉस के घर का मेहमान बनेंगे क्रिकेटर श्रीसंत, होगा सच से सामना। भारत के सबसे पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 12वां सीजन जल्दी ही दस्तक देने वाला है। इस शो का हिस्सा बनने वाले सेलिब्रिटीज के नाम धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। इन्हीं सेलिब्रिटीज में एक नाम टीम इंडिया के एक क्रिकेटर का भी है। भारतीय क्रिकेट में केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस क्रिकेटर का नाम एस श्रीसंत है। श्रीसंत टीम इंडिया के लिए बतौर तेज गेंदबाज खेल चुके हैं। साल 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में नाम आने के बाद उन पर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया था। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइव।